पिछले दिनों हमने देखा था कि एक रोपवे बनने की बात कटरा में चल रही थी, जिसमें स्थानीय लोगों में कुछ रोष भी था, कुछ एतराज़ भी थे। इस पर कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए आज हमारे साथ हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग जी। गर्ग साहब, ये सब एतराज़ क्यों और क्या ये ज़रूरी है एतराज़, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर बड़ी सारी एप्रीहेंशंस लोगों के मन में रहती हैं, और शायद इन्फॉर्मेशन या सही जानकारी ना होने की वजह से लोगों के मन में कुछ ऐसा इतराज़ था। जो जहाँ तक कि रोपवे की बात है, तो एक काफ़ी देर से एक बहुत सारी डिमांड लोगों की तरफ से, पिलग्रिम्स की तरफ से खास करके आ रही थी, खास करके सीनियर सिटीजन्स की तरफ से आ रही थी। बहुत सारे ऐसे हमारे स्पेशली एबल्ड यात्री हैं और बहुत से हमारे ऐसे मेडिकली अनफिट लोग हैं जो दर्शनों के लिए आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं, बिकॉज उनके लिए एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हमारी जो हेली सर्विसेज हैं वो भी कंस्ट्रेंड हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से उनकी कैपेसिटीज़ के अंदर हम एक्सपेंशन नहीं कर पाए हैं। और लेकिन जो यात्रा की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमने पिछले साल भी देखा कि माता रानी के आशीर्वाद से 9 साल का जो रिकॉर्ड था यात्रा फिगर्स का, वो ब्रेक हुआ और 91 लाख से ज़्यादा यात्री माँ भगवती के दर्शनों के लिए आए। तो बढ़ती हुई यात्रा के हिसाब से भी एक रिक्वायरमेंट रहती है समय की, कि एक कन्वीनियंस के लिए कुछ लोगों की जो नहीं पहुंच सकते उनके लिए कुछ कार्य किया जाए। और बोर्ड ने उसी लिहाज से देखते हुए कि तकरीबन 4,500-5,000 हमारे ऐसे यात्री हैं जो हेली सर्विसेज लेना चाहते हैं बट नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि खास करके सप्लाई डिमांड के जो इश्यूज़ रहते हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था कि एक ऐसा रोपवे बनाया जाए जिससे ये लोग भी जा सकें। और कहीं ना कहीं जो सामान ले जाने के लिए भी हमने जैसे हाल ही में रोपवे कंस्ट्रक्ट किया था वो भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से कैसे हम कन्वीनियंस के लिए लोगों को मदद कर सकें, और अगर हो सके तो सामान का भी बीच बीच में अगर कुछ सेशन में हम पहुंचा सकें, तो इस तरीके का एक रोपवे डिज़ाइन करें। और कोशिश, ये जो जानकारी है शायद बहुत सारे लोगों तक सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाई, या स्टेक होल्डर्स कुछ ऐसा कंसर्न रहा कि शायद यात्रा डाइवर्ट करने की कोई बोर्ड ऐसा बात कर रहा है, या जो पुराना हमारा प्राचीन रास्ता है वहाँ से शायद लोग यात्री दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे लोगों के मन में आशंका थी। पर ऐसी कोई भी बात ना बोर्ड के मन में ना कोई ऐसी बात है, ना ही इस प्रोजेक्ट का ऐसा कोई उद्देश्य है। और उसी को एक्सप्लेन करने की हम लगातार हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट माननीय उपराज्यपाल जब हाल ही में भवन आए थे तो उनकी तरफ से एक बड़ा क्लियर कट मैसेज लोगों के लिए यही था कि एक बड़े संवेदनशील तरीके से ही इस प्रोजेक्ट को लिया जाएगा। और हमारी यही अश्योरेंस हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है, कटरा के स्थानीय नागरिकों के लिए भी है, कि उन सभी को ऑन बोर्ड लेकर की उनकी सहमति के साथ ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो आपने चीज़ बताई, ये तो बहुत वाजिब है कि जैसे कोई बुज़ुर्ग है या कोई स्पेशली एबल्ड है, आजकल देखें नीज की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबको है जी। और बुज़ुर्ग होते हैं, चल नहीं पाएंगे ठीक से, किसी को आजकल बैक की प्रॉब्लम है, तो हक तो उनको भी है माँ का दर्शन करने का। अगर उनके लिए ऐसा किया जा रहा है तो आई थिंक वो सबसे वाजिब चीज़ है। और आप मेरा ख्याल उसमें नंबर भी लिमिटेड रखना चाहेंगे अभी? जी, हमारी कोशिश यही है कि 4,500-5,000 लोग पर डे, क्योंकि वो हमारी तकरीबन ऐसी ही अनमेट डिमांड है, वो जो लोग चॉपर से नहीं जा पाते हैं। और जैसा आपने सही फरमाया कि हमारे को ऑल ओवर दी कंट्री रिक्वेस्ट बड़ी इस तरीके की आती है कि स्पेशली एबल्ड के लिए बोर्ड क्या कार्य कर रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ऐसे बड़े सारे डायरेक्शंस हैं, बड़े सारे सर्कुलर्स हैं, और जो हमारी एक सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंट हुई थी, उन्होंने भी हमें ऐसे सुझाव दिए थे कि बैटरी कार्स, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और रोपवेज, इन तीनों के ऊपर बोर्ड को एक कंसिडर्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ताकि जो ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जो है एक सहूलियत जो है क्रिएट हो, ताकि वो घोड़ों की सुविधा पर या पैदल जो यात्रा है वो जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो है ऐसी एक फैसिलिटी बनाई जा सके। तो इसमें ये भी चीज़ है जी कि जो स्पेशली एबल्ड की आप बात कर रहे हैं, जिनको नीज प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, अगर वो हम लॉजिक लें कि उनके लिए हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो हेलीकॉप्टर पर भी उनका चढ़ना मुश्किल होता है कई बार। तो अगर ये रोपवे बनती है तो सुविधाएं किन किन इन्हीं लोगों को शायद ज़्यादा होने वाली? बिल्कुल, ये क्योंकि ये लोग जैसा आपने फरमाया कि उन्होंने खुद ही बहुत बार ऐसी रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास आती हैं कि वो हेली सर्विसेज नहीं अवेल कर सकते हैं, चढ़ नहीं सकते हैं, बैक की प्रॉब्लम है या नीज के इश्यूज़ हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए है। और दूसरी बात कि हेली सर्विसेज की जो कैपेसिटीज़ है पिछले 10 साल से हम उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि साइट कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, हेलीपैड्स नए क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर भी हम कंस्ट्रेंड हैं। तो इसलिए मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर बोर्ड कोशिश कर रहा है ताकि जो दरबार है, जो श्राइन है, वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो।
इसमें एक चीज़ और आती है जी, पिछले दिनों में हमने देखा कि एक बार ख़राब मौसम की वजह से एक दो बार हेलीकॉप्टर के हादसे भी हुए हैं, और अगर ये रोपवे बनता है ये तो 12 महीने और हर मौसम में चल सकेगा। देखिए रोपवे भी वेदर लिमिटेशंस से कंस्ट्रेंड रहता है, क्योंकि बोर्ड को भवन से बहरों एक रोपवे करने का थोड़ा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का, तो रोपवेज के अंदर भी वो 12 महीने नहीं चल पाते हैं। उसके अंदर भी जब वेदर कंडीशंस एडवर्स रहती हैं या हवा की गति विंड स्पीड कुछ ज़्यादा रहती है तो रोपवेज ऑपरेट नहीं करते हैं, और रोपवेज भी हेली सर्विसेज के तहत दिन में ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उस भवन से भैरों वाले रोपवे में भी हम 5 से 5,500 लोगों को ही दिन में फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, वो भी अगर वेदर की कोई दिक्कत ना हो और मौसम पूरा साफ रहे, पूरा दिन भर विंड स्पीड जो है वो नियंत्रण में रहे, उस कंडीशन में ही 5 से 5,500 लोग जो उस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसी कैपेसिटीज़ के आसपास ही जो मैं समझता हूँ कि जो हम कटरा से रोपवे प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वही आंकड़ा जो है आसपास जो है हम मीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच क्लर्क साहब, थैंक्स अ लॉट आप हमसे बात करने के लिए। जय माता दी। जय माता।